Good morning, students. Today we are going to read chapter number 5 in MB, Honesty. Do you know the meaning of honesty? What is the meaning of honesty? Honesty, it means you do your work with full of dedication, or if you have done any mistakes and you admit this in front of the someone, that is called honesty. Honesty का मतलब है आप अपने work को full dedication से करो, without any cheating, किसी भी cheating को किए बिना, okay? या फिर अगर आपसे कभी कोई mistakes हो गई हैं, then you have to accept this and admit it in front of those person. आप उस person के आगे, may your this person is your parents, may this person is your teacher, may this person is your friends, whatever is that, your siblings also. अगर आपने गलती की है, okay, किसी के things को आपने ख़राब कर दिया है, okay, और वो चाहे पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी टीचर हो सकती हैं, अगर आपने मिस्टेक्स किए हैं तो, या फिर आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी पर्सन हो, उनके इन फ्रंट अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो, एडमिट करते हो, इट मींस यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन. आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग? It means you are an honest person. आप एक honest person हो. So let me see what is in this story. I think this is very interesting story. So as you can see, here is a squirrel. Okay, here is a squirrel and she is eating something. I think it is mango. Okay. So now let me read the chapter. Chumki, the squirrel was running on a huge tree trunk. Okay, tree trunk. A hard stem are called trunk. Okay, a hard and thick stem are called trunk. Do you know the meaning of trunk? T-R-U-N-K, trunk. The hard and thick stem are called trunk. जो tree की ये जो hard और thick stem होती है, see, hard और thick stem होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? Trunk बोलते हैं. Okay, and these are called branches. These are called branches. Okay, these are branches and these are trunk. Okay, so do you know now this time, do you know about the meaning of trunk and branches? Okay, so Chumki the squirrel was running on a huge tree trunk. Chumki jo ek squirrel thi, वो ह्यूज ट्री ट्रंक पर रनिंग कर रही थी. इट वॉज सो मच फन, ये काफ़ी फन था. ओके, सी स्टार्टेड क्लाइंबिंग हायर एंड हायर. उसने काफ़ी हायर एंड हायर क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया. टिल सी केम अक्रॉस अ क्रोज नेस्ट. तब तक वो हायर और हायर क्लाइंब करती रही जब तक कि वो क्रो के नेस्ट तक नहीं पहुंच गई. एज यू कैन सी, दिस इज द nest of crow. But one thing you know students, it is truth. Crows never make their nest. Crows never make their nest. Crows जो होते हैं वो अपने nest कभी भी नहीं बनाते हैं. Okay, they always keep their eggs in another nest. वो हमेशा जो अपने eggs होते हैं वो another nest में रखते हैं, दूसरों के nest में रखते हैं, ठीक है ना. Crows जो होते हैं वो nest कभी भी नहीं बनाते हैं. This is the truth, but in this story there is given it was a crow's nest. Okay, so it was so much fun. She started climbing higher and higher till she came across a crow's nest. तो जो ये जो squirrel है वो तब तक higher and higher climb करती है जब तक कि वो क्रोज के नेस्ट तक नहीं पहुंच जाती. ओह हो हो, मिस्टर क्रो हैज़ स्टोर्ड अ मैंगो फॉर द रेनी डे.
देन सडनली स्क्विरल फाइंड अ मैंगो. स्क्विरल को जो है वो क्या मिलता है, एक मैंगो मिलता है और वो बहुत ही जॉयफुल हो जाती है, खुश हो जाती है उस समय और कहती है, ओहो मिस्टर क्रो ने मैंगो स्टोर करके रखा है रेनी डे के लिए, लेट मी टेस्ट इट. यम यम यमी. तो स्क्विरल जो होती है वो उसको टेस्ट करने लगती है एंड दैट टेस्ट वॉज वेरी यमी, बहुत ही यमी था. यू ऑल्सो ईट मैंगो एंड यू फील इट्स टेस्ट इज़ वेरी यमी. ओके यू फील इट्स टेस्ट इज़ वेरी यमी, सेड चमकी. चमकी ने कहा काफ़ी यमी टेस्ट है इसका. सी फर्स्ट टुक अ बाइट देन अनदर एंड स्लोली सी एट द होल मैंगो. सबसे पहले उसने वन बाइट लिया, उसे काफ़ी यमी लगी, फिर उसने अनदर बाइट लिया और भी अच्छी लगी. स्लोली स्लोली उसने होल मैंगो को ऐड कर लिया, खा लिया. सी वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग. नाउ दिस टाइम सी वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग बिकॉज सी एट होल मैंगो. उसने पूरा मैंगो खा लिया था एंड नाउ सी दिस टाइम सी वॉज फीलिंग टायर्ड. नाउ सी जस्ट वॉन्टेड टू डॉज ऑफ. गर्र और उसके बाद वो क्या करना चाहती थी, थोड़ी सी सोना चाहती थी और सडनली वो गर्र गर्र की आवाज़ आती है. सी स्नोर्ड सो लाउडली दैट सी डिड नॉट इवन कम टू नो अबाउट द क्रोज अराइवल. ओके वो इतनी तेज से स्नोरिंग करने लगती. स्नोरिंग इट मीन्स खर्राटे लेना. ओके स्नोरिंग इट मीन्स खर्राटे लेना. और वो गर्र गर्र की साउंड करके स्नोरिंग करने लगती है और इतनी लाउडली स्नोरिंग करती है कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब क्रोज जो था वहाँ पर पहुँच गया. ठीक है ना, तो यानी उसके क्रो के पहुँचने की भी आवाज़ नहीं आई, उसे पता ही नहीं लगा. सी वॉज नॉट अवेयर व्हेन क्रोज अराइवल देयर. ओके उसे पता नहीं लगा कि क्रो जो है वो कब वहाँ पे अराइव कर गया. काओ काओ हु हैज़ ईटन माय मैंगो. क्रो जो थे वो काओ काओ की साउंड करने लगा. उसने पूछा हु हैज़ ईटन माय मैंगो, किसने खाया मैंगो. आई ब्रॉट इट फॉर माय ओल्ड मदर, शाउटेड द क्रो. क्रो शाउट करने लगा, ये तो मैं अपनी ओल्ड मदर के लिए लाया था. चमकी ऑलमोस्ट फॉर माय ओल्ड मदर, shouted the crow. Chunky almost toppled from the branch as she got up with a jolt. She was too scared of the huge crow. उसने जब इस huge crow को, big crow को देखा तो काफ़ी डर गई, scared हो गई, frightened हो गई. When she looked at his old mother, her eyes were full of tears. Okay? जब squirrel ने crow की old mother को देखा तो उसके eyes जो थे वो फुल ऑफ टीयर्स हो गए, यानी आंसुओं से भर गए. ओह दैट सॉफ्ट एंड स्वीट मैंगो वॉज फॉर हिज ओल्ड मदर. सी विस्पर्ड टू हर सेल्फ. उसने स्लोली स्लोली क्वाइटली अपने आप से, बिल्कुल स्लोली साउंड में अपने आप से कहा, ओ क्रो ने अपने इस ओल्ड मदर के लिए ये मैंगो रखे थे. एंड द क्रो लुक्ड फ्यूरियस, ही आस्क्ड चमकी. ओके क्रो जो था काफ़ी डरावना दिख रहा था क्योंकि वो बहुत ही एंग्री था, बहुत ही अनॉयड था वो. और तो उसने चमकी से पूछा, डिड यू स्टील द मैंगो. स्टील इट मीन्स चुराना. ओके ओके स्टूडेंट, STEAL, स्टील इट मीन्स चुराना. सो डिड यू स्टील द मैंगो, क्या तुमने मेरा मैंगो स्टील किया है, चुराया है. चमकी लाइट, चमकी ने झूठ बोला. नो मिस्टर क्रो, आई डिड नॉट स्टील द सॉफ्ट एंड डिलीशियस मैंगो. स्क्विरल ने कहा, नो मिस्टर क्रो, मैंने आपके सॉफ्ट और डिलीशियस मैंगो को स्टील नहीं किए. द क्रो शाउटेड, देन हाउ डू यू नो दैट द मैंगो वॉज सॉफ्ट एंड डिलीशियस. क्रो ने कहा शाउट करते हुए, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंगो जो था वो बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस था. डिलीशियस इट मीन्स टेस्टी. चमकी वॉज असेम्ड एंड सी बेग्ड ऑनेस्टली, मिस्टर क्रो आई डिड नॉट मीन टू स्टील इट, आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, इट वॉज सो डिलीशियस. चमकी को अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी और शेम्ड हो गई चमकी, क्योंकि उसने लाइक किया था, झूठ बोला था
ओके से स्पिक्स लाई, क्योंकि उसने झूठ बोला था. सो चमकी जो थी इस टाइम बहुत ही अशेम्ड थी, बहुत ही अपने ऊपर शर्मिंदा थी. तो उसने ऑनेस्टली जो था वो क्रो से बैग किया, माफ़ी मांगी. मिस्टर क्रो आई डिड नॉट मीन टू स्टील इट, उसने बोला. मिस्टर क्रो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इसे चुराने का. आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई. इट वॉज सो डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी था. द क्रो वॉज अबाउट टू पैक हर विद हिज हार्ट बिट्स टू हर्ट हर इन फरी वेन हिज ओल्ड मदर स्टॉप्ड हिम सेइंग स्टॉप माई सन. क्रो वॉज वेरी एंग्री, क्रो जो था बहुत ही गुस्सा था, और वो अपने हार्ट बीक से जो स्क्विरल थी उसके उसे हिट करने के लिए रेडी था कि अब तो मैं अपने हार्ड बीक से इसे हिट करूँगा और इसे हर्ट करूँगा, क्योंकि इसने मेरा मैंगो स्टील किया है, चुराया है और उसे खा लिया है जो वो अपनी मदर के लिए लाया था. देन हिज मदर स्टॉप्ड हिम, तब उसकी मदर जो है वो उसको स्टॉप करती हैं. स्टॉप माई सन, डोंट फाइट फॉर अ मैंगो, क्रो की मदर बोलती हैं कि स्टॉप, मैंगो के लिए फाइट मत करो. आई एम नॉट हंग्री एंड एक्चुअली बनानाज आर माई फेवरेट, उसने बोला कि मैं हंग्री नहीं हूँ और एक्चुअली मेरा फेवरेट जो है वो बनाना है. आई डोंट वॉन्ट यू टू हर्ट दिस ऑनेस्ट स्क्विरल, ओके मैं नहीं चाहती कि तुम इस ऑनेस्ट स्क्विरल को हर्ट करो, चोट पहुँचाओ. शी कुड हैव लाइड, ओके टर्नड अराउंड एंड फ्लड बट सी टोल्ड द ट्रूथ, उसने कहा कि ये बोल सकती थी ओके और ये झूठ बोलकर उड़ भी सकती थी, बट इसने सच कहा, ट्रूथ कहा. द क्रो स्टेप्ड बैक एंड रियलाइज द ट्रूथ इन हिज मदर्स वाइज वर्ड्स, क्रो ने बैक की तरफ स्टेप किया यानी बैक की तरफ वॉक किया, ओके पीछे हो गया वो, एंड उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी मामा जो कह रही हैं वो सही है, जो भी वर्ड कह रही हैं वो सही है. ही टर्नड टूवर्ड्स चमकी एंड देन सेड आई फॉरगिव यू, ओके और उसके बाद उसने चमकी से कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ. चमकी बॉड हर हेड टू बोथ द मदर एंड हर सन, और चमकी ने अपने सिर झुकाए, बोर्ड इट मीन सिर झुकाना, और उसने अपने हेड को बोर्ड किया मदर के और क्रो के सामने, दोनों के सामने. एंड देन सी वेंट अवे, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई. बट सी मेड इट अ पॉइंट टू फेच अ राइप बनानास फॉर मदर क्रो टू इट, लेकिन वो क्या लेकर के आई, एक राइप बनाना यानी कि पक्का हुआ जो बनाना था वो क्रो के मदर के लिए लेके आई ताकि वो खा सके, क्योंकि क्रो की मदर ने क्या बताया था, सी लाइक्स बनानास. चमकीज ऑनेस्टी टच द क्रोज हर्ट एंड बोथ बिकम गुड फ्रेंड, चमकी की इस ऑनेस्टी ने क्रो के हर्ट को टच किया, इट मीन्स कि इमोशनल कर दिया, और उसके बाद दोनों जो थे एक गुड फ्रेंड बन गए. सो हैव यू वॉच्ड स्टूडेंट, हैव यू ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो होती है बेस्ट पॉलिसी होती है. एंड इफ़ यू डू मिस्टेक्स यू एक्सेप्ट दैम ऑनेस्टली, सो अ पर्सन हु टूवर्ड्स यू हिज और हर हार्ट टच्ड विद योर ऑनेस्टी, जो भी पर्सन आपके सामने है चाहे वो हिज हो या हर, यानी कि हो सकता है आपकी मदर हो, फादर हो, आपकी भाई हो या फिर आपकी बहन हो, वट एवर इज दैट, उनका हर्ट जो होता है वो टच हो सकता है, इट मीन्स कि वो इमोशनल हो जाएंगे. एंड दे दिस दैट टाइम दे ऑल्सो फॉरगिव यू इफ़ यू मेक अ मिस्टेक्स, ओके अगर आपने गलतियाँ की हैं तो वो आपको माफ़ भी कर देंगे. सो दैट इज़ द स्टोरी. सो वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, यू शुड ऑलवेज ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर जॉब, टूवर्ड्स योर स्टडी, ओके नेवर स्पीक लाई, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ओके सो दैट वॉज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी. Once again, you will read this story.